आज बहुत जरूरी दिन सीगा बतौर कांग्रेस पार्टी दा पंजाब दा प्रधान ते साडा गुआंढी सूबा हिमाचल, क्योंकि हमेशा पंजाब दा असर, क्योंकि ये वड्डा पुराना पंजाब है, हरियाणा हिमाचल ते पंजाब, पंजाब दा असर हिमाचल ते हिमाचल दा असर पंजाब च रहिंदा है। लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के तमाम लोगों नूं ते खास करके कांग्रेस के तमाम वर्कर साथियों वधाई देना चाहना है कि उन्होंने दोबारा फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा झंडा है वह बुलंद किया है। कांग्रेस पार्टी की सोच से मोर लाई है और जिहड़ा प्रचार प्रसार हो रहा सी वख-वख पार्टियां वालों, किसे वेले ये भी सपने देखे जा रहे सी कि असी कांग्रेस मुक्त भारत बनाउणा है। मैनू लगता कि ये भी सच्चे पातशाह ने ये उन्हां लोगों के मूँह ते चपेड़ है सिद्धी दी सिद्धी कि तुसी कांग्रेस नूं भारत मुक्त नहीं कर सकते। और वो लोग सानू ये गल कह रहे सी जिन्हां नूं किसे वेले आपदियां मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दियां दो टिकटां दो सीटां आया कर दियां सर, यानी कि बीजेपी पार्टी, और जिन्हां ने पहले ही बीजेपी ने ट्वीट करता सी कि गुजरात में सरकार और हिमाचल में भी इस बार जो दूसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और नाल ही नाल उना लोगों से भी आम आदमी पार्टी सरकार, आदरणीय केजरीवाल साहब सुप्रीमो आम आदमी पार्टी ने कहा सी कि 5 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जगह गुजरात के अंदर नहीं मिलेगी, मेरे से लिख कर ले लो। आज मेरे को लगता है कि उन्हां दा भी हंकार जिहड़ा सच्चे पातशाह ने तोड़िया, हंकार नूं हमेशा मात पई। सो अज ओह हिमाचलियां ने करके विखाया जो किते ना किते असीं पंजाबी खुंझ गए। और इह क्यों होया इह वी दसना चाहुंदा तुहानूं, हिमाचल के अंदर 0 सीट 1% तो भी घट वोट शेयर, 1% तो भी घट वोट शेयर, मेरे मैं लगता कि लैस दैन नोटा, नोटा भी 6% कहते वोट्स का 6% वोटा पई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नू हिमाचल दे विच 1% वोट पई है। तो जे गुजरात की गल आईए ता मेरा ख्याल 182 सीटा तो चो 128 सीटा ते जमानत जब्त हो गई है, जेड़ा दिल्ली का मॉडल गुजरात लेके जा रहे सन, ते पंजाब का मॉडल भी गुजरात वेचा गया, ते पंजाब का मॉडल हिमाचल च भी वेचण की कोशिश की गई। वैसे तो यह समझ आनी चाहिए सीगी आम आदमी पार्टी नूं पहले 3 महीनों ची कि जो बाय इलेक्शन होया जून दे विच, ते 3 महीनों दे विच ही सरकार दा बाय इलेक्शन हार जाना, यह समझ आ जानी चाहीदी सी कि साड़ी कारगुजारी ठीक नहीं है। पंजाब दे लोगां ने सानू 3 महीनों ची नकार दिता गया, लेकिन जो बंदा घोड़े ते चढ़े होंदे है उदों फिर थल्ले जमीन ते उहनूं छोटे मोटे जानवर जां छोटियां मोटियां चीज़ां विखदियां नहीं। घोड़े ते चढ़े लोकां नूं आ हुण जाके शायद ये गल समझ आ जाए कि सानू मुकम्मल तौर ते देश दे लोकां ने नकार दिता गया है। जे पंजाब मॉडल चंगा हुंदा तां फिर हिमाचल च विकदा ते गुजरात च विकदा। ये सामने प्रतक
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਰਤਾ ਪੰਜਾਬ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ 58 ਲੋਕੋ ਕੋ ਫਰੌਤੀ ਕਾਲ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪਰ 3 ਕੀ ਹੱਤਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਬਰਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2023 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2023 ਤੱਕ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਡੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਤਮਾਮ ਸਿੰਗਰ, ਤਮਾਮ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਮ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖ ਲਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। 28 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2022, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2,27,52,723 ਰੁਪਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਤੇ ਪਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਾਏ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ? 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਖਰਚਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਲਿਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡ ਤੇ। ਆਹ ਅੱਡ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਫਲਾਂ ਯੇ ਵੋ, 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,27,00,000 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1,58,94,000 ਗੁਜਰਾਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਝੂਠ ਫਰੇਮ ਉੱਥੇ ਕਈ MLA ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਹਮਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ 26,00,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਰੇਤ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਤਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿੱਤਾ ਆਟਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ
मैं दस दिना गिदड़बाह का पिंड पूंदड़ जिथे महला क्लीनिक खुलिया सी पहले सौन उत्थे अज किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं है। महला क्लीनिक नू ताला लग्या पिया। महला क्लीनिक दी आड़ दे विच जिहड़ियां साडियां छोटियां छोटियां फार्मेसी सीगियां हैल्थ केयर सेंटर सीगे वह भी उजाड़ दिते गए आपकी ईगो पगाउन दे पिछे कि असी महला क्लीनिक साडे कोल बड़ा वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर हैगा हैल्थ का असी आपके हस्पतालों नू अपग्रेड कर सकते सी असी आपदियां डिस्पेंसरीज नू अपग्रेड कर सकते सी। एक एक महला क्लीनिक ते जिहड़ी उह इंफ्रा बिल्डिंग सीगी 40-40 लाख रुपया ला के आपदा कि ये आम आदमी पार्टी का महला क्लीनिक है। हर पिंड दे विच डिस्पेंसरी है तकरीबन तकरीबन सी एस सी साढ़े वेले पे है वड्डियां वड्डियां बिल्डिंग है किले किले च लेकिन असी महला क्लीनिक बनावांगे। लेकिन थोड़े सामने महला क्लीनिक दे जो हालात हैं वो बंद है। और अज की जिहड़ी घटना है मैं ये दसना चाहना अज मेरे ये किसी सरकार च नहीं होया यार जो अज होया घर उजाड़न वाला काम अज जलंधर की वारदात है जिथे कई लोगों नू बेघर करता चंगे चंगे घर बने से उन्होंने चंगे चंगे पर एक मिनट उन्होंने ढा दिता गया तोड़ दिता गया बुलडोजर लैके यार। और तुसी वीडियो सुनी होनी है एक चैनल पे वो अग अग बाणी है कि जग बाणी है जग बाणी तो नहीं है वो अग बाणी है जग बाणी तो बहुत चंगा चैनल है भाई एवं और एक वीडियो चल रही है क्योंकि थोड़े तुसी तो ये चलाउनी नहीं तुसी ये चलाउनी नहीं और एक पुलिस वाला गंदियां गंदियां गालां कढ रहे है उन्होंने कहता भी समान कढ लो तो थोड़े मैं आ कर दूंगा वो सुनी नहीं जा सकती। तुसी इस प्रकार की शब्दावली पुलिस वालों उत्थे छौनी बना दिता गया साढ़े एम सी साहबान नू उत्थों दे नू नज़रबंद कर लिया गया और साड़ी मैडम उत्थे वूमेन जिहड़ी हैगी है एम सी है अरुणा अरोड़ा उन्हां दा टेलीफोन आया होम अरेस्ट करके ते मैं हुण वीडियो देखी है ते क्या जा रहा है सुप्रीम कोर्ट दे ऑर्डर है। पहला सुन ला भाई सुन ला काला क्यों पै रहे एक पंजाब म्यूनसिपल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक्ट बनया सी 2020 साडी सरकार ने बनाया सी सानू इस गल दा माण है पर मगरले 10 साल अकाली दल दी सरकार ते 5 साल कांग्रेस दी सरकार च एक भी घर नहीं उजाड़िया गया चाहे सुप्रीम कोर्ट ने क्या होवे चाहे हाई कोर्ट ने क्या होवे चाहे सरकार का फैसला होवे किसे व्यक्ति नू घरों बेघर नहीं किया गया जिहड़ा उन्हें घर बनाया सी। असी जे किसे नू घर दे नहीं सकते ओरा घर उजाड़न दा साडे कोले कोई हक नहीं है। जिहड़ा एक्ट बनाया सी उहदे च लिखिया है वेयर एवर ए म्यूनसिपल प्रॉपर्टी हैज बीन अंडर कंटीन्यूअस लीज और ऑक्यूपेशन फॉर अ पीरियड ऑफ द 12 ईयर 12 साल जां उहदे तों वध हो जाण ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨੇ ਪਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ फिर पानी दोगे सुप्रीम कोर्ट यह कह देगा कि चंडीगढ़ छड़ना पड़ेगा पंजाब नूं और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पहला पानी के फैसले से जो रेजोल्यूशन पास होया साड़ी सरकार च असी क्या कुछ हो जाएगा मर जाएंगे लेकिन पानी नहीं जान देंगे। मानजोग सुप्रीम कोर्ट नूं क्या जा सकता सीगा केस किने किया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने किया मानजोग सुप्रीम कोर्ट नू रिप्रेजेंटेशन दिती जा सकती सी एडवोकेट जनरल जांदा ते गल कहंदा कि असी इन्हां नू कलैक्टर रेट्स दे उत्ते जमीन देण लई तैयार हां असी देवांगे असी इहनू ढावांगे नहीं कि हाई सुप्रीम कोर्ट नू की इतराज है भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जलंधर दी जमीन जे सरकार ने आपदे लोकां नू देती की इतराज है बोलो लिख के देना है
कि असी जमीन अलॉट करती असी इन्हां नूं टाइम देता एक साल दे विच एक इलैक्टोरेट भर देंगे ते असी इन्हां नूं ओनी जगह इन्हां नूं दे देंगे। ऑल दो तुसीं इह कहो भी असी आपदे इंटरस्ट असी वह जमीन छड़ाई है किसी सरदार जां चंगे बंदे नूं वेचनी है महंगे भावां ते अज दे भावां ते जिन्हां नूं बेघर किया उन्हां वास्ते कोई इंपरूवमेंट ट्रस्ट फ्लैट बना के दे दिंदी। अज कित्थे सौंगा बई जी, मैं मीडिया वालिआं नूं बेनती करनी चाहुंदा दिखाओ कित्थे सौणगे वह परिवार अज 140 परिवार सड़क ते। और जिहड़ा घर टुटिया होवे उहनूं इह लगदा है मां मर जांदी है तां भरजाई हुंदी है मासियां हुंदियां सांभ लैंदी है भी चल घरे हैगा सांभ लांगे वह चार दिनों बाद ठीक हो जांदा है। जिहड़ा घर तोड़ता रहिण नूं टिकाणा नहीं है आ इहो जिहे निक्के निक्के बच्चे आ टब्बर ये कित्थे जाणगे, कोई मीडिया वाला कह रहा है सुप्रीम कोर्ट दे ऑर्डर है कित्थे जाणगे, इहनां दा बंदोबस्त की कीता है। बिल्कुल ये धक्का होया और यहोजियां जातियां असी इन्हां जातियां के खिलाफ है ये नहीं होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए उस पुलिस वाले दे जिन्हें यहोजी शब्दावली यूज की साड़ियां मावां भैणां। जे तुसी किसी कुछ दे नहीं सकते तुसी उजाड़ नहीं सकते। सो सरकार नूं चाहिए कि उन्हां नूं उही जगह अलॉट करे ते उन्हां दे घर मकान बना के देवे ते कलैक्टर रेट के उत्ते उन्हां नूं वो जगह अलॉट करे, नहीं तो उन्नी बनती थां सरकार किते होर अलॉट करके उन्होंने घर बना के देवे। और यार कोई टाइम दे दिता जाता, मैं तो कदी नहीं वेख्या कोई ऐ लैन गया किसी कोई कंध ढाँदा कोई गेट ढाँदा भी डराउंदा है घर का घर मुकम्मल ढा दिते गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ किया वे है ते जे सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चलोंगे तो फिर ठीक है। मैं नहीं कहता असी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते पर कुछ ऐसे फैसले ने जिहड़े स्टेट के हित विच ने जां लोगां दे हित लई ने उत्थे असी हमेशा लड़ाई लड़ सकते हैं कानूनी लड़ाई लड़ सकते। सो ये सारे का सारा मैं थानू ये कार्रवाइया के बारे इस करके चानण पाँदा सी जिहड़े सानू मिटाउण लगे सी वो खुद मिट गए, जिहड़े सानू मारना चाहते सी वो खुद मिट गए। आने वाला समय दसेगा और ये शुरुआत है हिमाचल प्रदेश तो ठीक है गुजरात के अंदर असी बहुत चंगे तरीके नाल चुनाव नहीं लड़ सके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अज देश का हर एक व्यक्ति ये गल कह रहा है कि राहुल गांधी पंजाब देश नूं जोड़न वास्ते तुरिया वे अज ये उहदा नतीजा है अज हिमाचल दे प्रदेश के अंदर सरकार ये शुरुआत है और इतों चलते चलते अगला कदम दोबारे राजस्थान मध्य प्रदेश ते कर्नाटका दे विच होएगा ते फिर असी 2024 दीआं चोणां दे विच परमात्मा सच्चे पातशाह कृपा करेगा ये जिहड़ियां सरकार है जिहड़ियां आपस विच रलियां आपस विच रले हुए हिमाचल छड़ के सानू नुकसान होया केजरीवाल साहब दे गुजरात जाणते क्योंकि ये तय प्रोग्राम है ये तय प्रोग्राम है कि एंटी इनकम्बेंसी जिथे हैगी है तुसी उत्थे जाके एक मिडल पार्टी खड़े हो जो तुसी लै जा करो ते कांग्रेस पार्टी नीचे नूं आ जाएगी। असी तां पहला कहने ये बी टीम है ये बी टीम दे वांग काम कर रहे हैं पर कोई गल नहीं एरा सारा हौली हौली जिहड़ा नकाब है वह लोगों के सामने आ जाएगा लास्ट विच अंत विच। आदरणीय मान साहब मेरे वड्डे भरा पंजाब दे मुख्यमंत्री कई वारी कवितावां दे बड़े शौकीन ने अज मैं भी मली मुश्किल नाल लिख लुख के लिया है क्योंकि मैनू ऐ नहीं ठीक है गल कोई जोड़ना तोड़ना तो नहीं आता चार पांच बंदे भाई फिर बड़ी कविता बनाई अज। हाँ जी नहीं मैं तो थोनू क्या मेरे वड्डे भरा है पर कवितावां दे शौकीन है सो उन्हां दा जवाब कविता दे राही मैं देना चाहुंदा हां। उन्हां दा ते आम आदमी पार्टी बात चली थी बदलाव लाने की बात चली थी नशा मुक्त पंजाब बनाने की ना कि हर गली मोहल्ले में नशा बिकवाने की बात चली थी माइनिंग माफिया हटाने की ना कि रेत बजरी को आम लोगों की पहुंच से बाहर बनाने की बात चली थी पंजाब को धरना मुक्त बनाने की
ना कि किसानों और मजदूरों पर लाठियां बरसाने की। बात चली थी पंजाब में स्कूल कॉलेज बनाने की, ना कि शिक्षकों के लिए तरस रहे मासूम बच्चों को सड़क पर बिठाने की। बात चली थी नौजवानों को रोजगार दिलाने की, ना कि पहले उनको बहन बनाकर फिर उन पर लाठियां बरसाने की। बात चली थी 52,000 करोड़ रुपया लाने की, ना कि 9 महीनों में 11,000 करोड़ का और कर्ज उठाने की। बात चली थी आम आदमी की सरकार बनाने की, ना कि पंजाब के पैसों से चार्टर्ड प्लेन उड़ाने की। बात चली थी पंजाब की गलियों में सरकार चलाने की, ना कि पंजाब छोड़ गुजरात में गरबा करके दिखाने की। बात जिस पे था गर्व तोड़ दी वो छाती है, अब तो यह भी शक हो रहा है कि आपको सरकार चलानी भी आती है। आज बदलाव की सरकार में पंजाब की तुलना यूपी बिहार से की जा रही है। आज बदलाव की सरकार में पंजाब की तुलना यूपी बिहार से की जा रही है। सरकार जी, अरे मान साहेब, आदरणीय केजरीवाल साहेब, सरकार जी ये तो बता दीजिए, ये उल्टी गंगा क्यों बहाई जा रही है? सो मेरे सरकारियों भराओ, पंजाब दे लोगो, जेड़ी गलती अपनी तो होगी एरे ते हुण आपां गौर फरमाउणा, तवज्जो फरमाउणी, और दोबारा फिर दिल दियां गहराइयां चो हिमाचल प्रदेश दे उन्हां सूरबीर योधियां दा, मेरे उन्हां भरावां दा, सारी लीडरशिप दा, राहुल गांधी दा जेड़ा मगरले 3 महीनियां तो सड़कां ते घूम रहा, उस साथी दा, उस लीडर दा जिन्हें दोबारा फिर देश नूं जोड़न दी गल कीती है, संविधान बचाओ लोगां दी आवाज उठाउण दी गल कीती है, मैं वधाई देना चाहना है समुची लीडरशिप नूं, खड़गे साहब होरां नूं, और हिमाचल प्रदेश के लोगों नूं, पंजाब के लोगों नूं भी वधाई देना चाहना है जिन्होंने जाके इन्हां सरकारां दीआं जिहड़ियां नाकामियां सन उन्हां बारे चानण पा के अज हिमाचल प्रदेश च सरकार बनाउण दा काम कीता है। धन्नवाद। हाँ मैं ता पैलसा दे बाहर विच, तुसी अंदर भी जाते रहते हैं, पैलसा दे बाहर की है, ये कदे नहीं होया सी, ये कदे नहीं होया सी। जिस तरह छोटे छोटे दुकानदारां ते GST दे छापे मारे जा रहे हैं, डर पैदा किया जा रहा है, पैलसा दे बाहर पुलिस खड़ाई जा रही है, ये सारिया दियां सारिया नाकामियां। किन्ने पैसे आ जाणगे उत्थों? तुसी चार्टर्ड प्लेन लै ले, थोनू मैं दसदा कि 2 करोड़ रुपया तुसी सोशल मीडिया से 2.5 करोड़ रुपया खर्चता, 1.5 करोड़ रुपया कले गुजरात लोकेशन से खर्चा, महाराष्ट्र लोकेशन से 26 लाख खर्चता, तुसी पैसे बचाने की गल करते, अज आ हाल करते। अमृतपाल जी दे बयान दे खिलाफ कोई गल नहीं बोलना, बोलने वास्ते नहीं बोल रहा, पर तुसी सवाल कीता है, मेरा ख्याल जेड़े बुजुर्ग बैठ नहीं सकते नीचे, जेड़े बंदे विचारे तो तुरिया नहीं जांदा, फिर भी उन्हां दी शरदा गुरुद्वारा साहब च जांदी, अरदास सुनदी, मुख वाक सुनदी, अगर मेरा ख्याल उत्थे बेंच लगे है जां उत्थे कोई स्टूल बने है, बंगला साहब भी बने ने, होर गुरुद्वारा साहबान उन्हां च भी थावां ते बने ने, मंदरां च भी रखे ने, तो मैनूं लगदा मैनूं इहदे ते कोई इतराज़ नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। साडे जिहड़े बजुर्ग है जिन्हां नूं जरूरतमंद, हाँ कोई नौजवान साथी उहदे ते बहिंदा है जिहड़ा चंगा भला है तां उह माड़ी गल है, पर जे बजुर्ग बंदा, मैनूं लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च इह लिखा कि स्टूल ते कोई बैठा व्यक्ति उरे कोई अतराज जताया गया, सो ये एवें फालतू की गल है। चलो जी,
देखो जी वो गुरुद्वारा साहब दे भाई दी मर्जी है, भाई दी मर्जी है, गुरुद्वारे दी वो जिहड़ी उत्थों दी कमेटी है उहदी मर्जी है, किसी ने नहीं रखना वो ना रखन, कोई इतराज नहीं। जे किसी ने नहीं रखना ना रखन, लेकिन मैनू इस गल ते कोई इतराज नहीं। मैनू लगता है कि जे स्टूल किसी गरीब ते किसी बुजुर्ग वास्ते पिया होवे ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2018 ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਧਰਨੇ ਢਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਜੇਸੀਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੇਸੀਬੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 100% ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।